टू अ न्यू ब्लॉग. सबसे पहले लेट मी से थैंक यू मेरे IVF सीरीज़ को बहुत सारा प्यार देने के लिए. अब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कनेक्ट कर पाए मेरे से कि हाउ मच आई वेंट थ्रू एंड यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सेम. तो येस, द जर्नी इज टफ और मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो भी हुआ था इन 4-5 सालों में, वो मैंने वीडियो में शेयर किया है एंड आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है. थैंक यू सो मच. सब लोगों ने इतना बोला है कि आई वेंट थ्रू सो मच बट आई नेवर शोड इन माई फेस. येस, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में चलता है, अप्स एंड डाउन्स तो चलता है, लेकिन क्या दिखाना है आप लोगों के सामने, क्या नहीं दिखाना है, क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है, ये पर्सनल चॉइस होता है. और अगर मैं चाहती तो वो सब मैं शेयर कर सकती, लेकिन क्या ये अब लोग खुश होना चाहते हो ना मेरे वीडियो देख के. ये वीडियो भी मैं शेयर नहीं करती. फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, करते हैं इतना कुछ, थोड़ा शेयर करते आप लोगों से, तो आप लोगों से कनेक्ट हो पाएगा. तो या बस इसलिए 3 वीडियो में मैंने सब खत्म कर दिया, पूरा 4-5 साल का जर्नी. एनीवेज, अभी मैं रेडी देख रही हूँ. तो फर्स्ट टाइम मेरी डिलीवरी के बाद आज हम बाहर जा रहे हैं डॉक्टर विजिट के अलावा. डॉक्टर विजिट के लिए तो बाहर जा रहे थे, आज थोड़ा घूमने फिरने जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ. और अभी मेरा OOTD देख लो. सो ये मैं अभी हस्बैंड जा रहे थे ना, वो दिव्यांदु बोल के गया कि देखो इसमें अभी तक मैं प्रेग्नेंट दिख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो टमी है अभी तक कम नहीं हुआ है, ये वाला कम होने में टाइम लगेगा. और मुझे कुछ पैंट्स वगैरह कुछ फिट भी नहीं हो रहा है. सो ही इज़ लाइक, क्या पहन के जा रही हो, अभी भी प्रेग्नेंट लग रही हो. लेकिन कुछ फिट नहीं आ रहा है. आई थिंक आई विल चेंज द टॉप. टॉप कुछ ऐसा ढीला ढाला, दूर से ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा करूँगी तो पता चल रहा है. सो आई चेंज माई ड्रेस. टॉप मैंने चेंज कर लिया जहाँ पे वो पेट नहीं दिखेगा. सो ये बटन वाला टॉप मैंने पहना है, क्योंकि फिटिंग फ्रेंडली भी होना चाहिए. बेबी मेरा छोटा है, तो दिस इज़ द ड्रेस. और ये वाला स्कर्ट मैंने मीशो से गलती से स्मॉल मीडियम के जगह पे लार्ज मंगवा लिया था, एंड वही मेरा अभी एक ही लौता बॉटम वेयर है जो मुझे फिट हो रहा है. सो दिस इज़ द ड्रेस एंड दिस इज़ माई डाइपर बैग. आप चौंक रहे हो ना कि ये कैसे डाइपर बैग हो सकता है. येस, दिस इज़ ज़ूक का डाइपर बैग और एक्चुअली न्यू मॉमी बैग, तो मॉम्स के लिए होता है. और इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है, जैसे डाइपर बैग में होता है ना, वैसे बहुत सारे कंपार्टमेंट है चीज़ें रखने के लिए. मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, इसके अंदर मैंने डाइपर रख दिया है. फिर इधर एक और बॉटल का सेक्शन है, इधर एक पॉकेट है, इधर एक पॉकेट है. मैंने वेट वाइप्स रखा है और फिर बीच में बहुत सारा जगह है. और इसके साथ साथ इसमें ऐसे 2 पाउचेस भी दिया है, तो आप अपने वाटरप्रूफ पाउचेस, तो जो काम की चीज़ है ना वो सब हम रख सकते हैं. और इसमें मैंने छाता भी लिया है. और इस साइड पे भी एक चेन है और इस साइड पे भी एक चेन है. पहले बस हम दोनों रेडी होते थे और फटाक से निकल जाते थे, अभी तो वो दिन नहीं रहा. दोनों रेडी हो, फिर बैग रेडी करो बेबी का, फिर बेबी को रेडी करो, फिर फीट करवाओ, निकलते निकलते कितना लेट हो गया. और ये देखिए, आज बाप बेटा दोनों सेम घूमने जाएगा. ये देखो बाप बेटा दोनों येलो. पूरा मैच हो गया बेबी, पूरा एकदम येलो में मैच हो गया. बेबी ये क्या लेके जा रहे हो? बेबी घर पे और कुछ था क्या? सारा सामान मैडम एक्सचेंज ऑफर में लेके जा रही है, ये सारा घर का सामान एक्सचेंज कराएंगे. एक्चुअली हम लेके जा रहे हैं कहाँ पे? प्रेस्टीज या हॉकिंस? प्रेस्टीज. हाँ, फिर देखते हैं क्या होता है. तो अभी हम जा रहे हैं प्रेस्टीज के स्टोर पे, क्योंकि इधर चल रहा है ये ऑफर, एनीथिंग फॉर एनीथिंग. तो अभी हम लेके आए हैं इतने सारा सामान. कहाँ दिखाओ, अपना पेट मत दिखाओ यहाँ. अब देखते हैं कैसा ऑफर मिलता है. दे आर टेकिंग सो मेनी. हां ये बड़ा है, हां ये बड़ा गड़ा है. इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है. कितना हैवी है? तो बेबी क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो? ये दोनों दे रहे हैं.
दिखाओ दिखाओ हालत तो दिखाओ। ये आज ही खाना बना गरम में सफाई भी है। और वो हम नया ले रहे हैं उधर से। आ हा हा जुगलबंदी देखो दोनों का। मैचिंग मैचिंग बेबी। हाँ मैंने बोल दिया है मैचिंग मैचिंग। तो अभी हम इधर वेट कर रहे हैं, हम लोग चाप खाने के लिए आए हैं। गब्रू दी चाप। अभी हम लोगों ने दो तवा लिया है, दो तवे के बदले दो तवा। 2000 रात को आ जाओ। हाँ रात को देखना, कल 3 बजे तक मैं जागी हुई थी। ठीक है आराम से सोया हुआ है। मैं और बोला आप और मम्मी एक साथ सोते हो ना, सो गए तो आ जाओ। उनके घर में गर्मी थी इसीलिए आपके रूम में एसी भी लगाया, वो भी देख ले। मैं गर्मी में सोता हूँ, वो भी देखो आप। ये लो हाँ हो गया आपका। हाँ मेरा मोमेंट पिक माय बेबी। कोई 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 लेने वाला, फोटो लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा आ गया हमारा चलो। हाँ कैसा लगा मैडम? अभी बहुत जबरदस्त भूख लगी। मैं बोल रहा था बेबी को मेरे पास रखो, आप आराम से फ्री हेली खाओ, इसीलिए मैंने बेबी रखा। इसको पोज वोज करना है, फोटो लेना। मुझे फोटो लेना था। लो ले लो ना, लो। मम्मी खा के बताओ। मम्मी खाएंगी पहली बार सोया चाप। কেমন টেস্ট পছন্দ হয়নি? হ্যাঁ পছন্দ হয়নি আমার। ও তেরি ভাই সাহেব দেখো कितना सारा सामान लेके हम लोग आ रहे हैं। आधा चीज़ें हमने एक्सचेंज नहीं करी है, सिर्फ दो तावा लिया है, दो तावा के बदले में, और बाकी ये सब हम वापस लेके आए। सोचेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। कल आप लोगों ने देखा था कि कल हम गए थे थोड़ा सा बाहर प्रेस्टीज के शॉप में, थोड़ा फिर एक जगह पे खा पी के हम आ गए थे। आज फिर से आप देख सकते हो हम लोग कलर कोऑर्डिनेट वाइट वाइट वाइट, तीनों वाइट पहन के हम जा रहे हैं फ्रेंड्स के घर, मामू के घर, उसके घर। आज हम पूरा दिन रहेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही बस थोड़ा चिल करने के लिए, गप्पे शप्पे मारने के लिए हम जा रहे हैं। और क्योंकि बहुत दिन हो गया है कि थोड़ा सा यू नो गेट टुगेदर, गप्पे नहीं मारे, तो थोड़ा बाहर जाएंगे अच्छा लगेगा। लेटली मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था कि यार रोज़ रोज़ एक ही काम, एक ही हम मैं कर रही हूँ, कोई यू नो चेंज नहीं है। तो फॉर अ चेंज वी आर गोइंग आउटसाइड, लेट्स गो। बाय भाई नहीं चले गए चले गए। भाई के टाटा बोले दाओ बाबा, भाई के टाटा बोले। भाई टाटा तुम्हें काट बना तो आठ ताल है क्या नो। ओके तो लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि हम गए थे मामून के घर, एंड इससे पहले का जो शॉट था तो वो था कि मामून के घर पूरा दिन हमने स्पेंड किया है। इवनिंग को जब हम निकल रहे थे ना, तब उसका बेटा गॉट सो अटैच टू माय सन, ही वाज क्राइंग अ लॉट कि भाई जा रही है, भाई जा रहा है, भाई जा रहा है, क्योंकि बहुत रो रहा था। और मामून के घर जाके कुछ भी शूट नहीं कर पाए बिकॉज यू नो बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं और वी आर चैटिंग अ लॉट, बहुत सारे गप्पे मार रहे थे, बहुत चिट चैट कर रहे थे, और बिल्कुल भी मुझे ना कैमरा उठा के व्लॉग करने का मन नहीं किया। तो पूरा टाइम वी आर जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट, और बेबी के साथ सब खेल रहे थे, ये सब बहुत कुछ हो रहा था। धीरे धीरे आई विल कम बैक टू द व्लॉगिंग वाला यू नो मूर्ति पे मैं आ जाऊँगी धीरे धीरे, बट आई एम जस्ट सोकिंग इन टू द मोमेंट, आई एम जस्ट एंजॉइंग जहाँ पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत कम बाहर जाना होता है ना।
तो अभी मैं दो दिन के बाद मैं अभी ये वीडियो एंड करने के लिए कैमरा उठाया है और उसका बेटा इतना रो रहा था, हम गए थे संडे और उसका बेटा इतना रो रहा था, भाई भाई करके रो रहा था कि ट्यूसडे को वो लोग आ गए थे। वो लोग पूरा दिन हमारे घर पे स्पेंड किया भाई के साथ, उसने बहुत मतलब मेरे बेटे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत यू नो खेला है, बहुत कुछ किया है। सो या इट वॉज़ अ नाइस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। एंड या थोड़ा सा खुद को खुश रखने के लिए थोड़ा सा जो भी हो सकता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या बाहर जाना, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, थोड़ा चिट चैट करना, छोटा सा आउटिंग करना, आई थिंक वी शुड डू दैट। सो या लेट्स एंड द व्लॉग हियर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।